नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेन। गर्मी केवल पारे के कारण नहीं ज्यादा है, बल्कि चुनाव के बाद बंटवारे वाले बोल और जहरीले जुबान ने सियासी तापमान को बढ़ा रखा है। उम्मीद थी कि चुनाव के बाद ये सिलसिला थमेगा, लेकिन नई सरकार आते ही मुसलमानों को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी खुद अल्पसंख्यकों के हालात बदलने की बात अपनी प्राथमिकता के तौर पर बता चुके हैं, लेकिन ओवैसी का हिस्सेदार और किराएदार के सवाल पर सियासी युद्ध जारी था कि यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। लोकसभा में वंदे मातरम गीत का विरोध करने वाले शफीकुर रहमान ने अब सभी मुसलमानों को एकजुट होने की सलाह दी। उनका कहना है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। साथ ही शफीकुर रहमान ने बीजेपी पर मुसलमानों के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। उनके आरोप कितने सही हैं? क्या मुसलमानों को लेकर इस तरह की चिंता सियासी है? नई सरकार के बाद फिर इस तरह के सवाल? बीजेपी पर हमले के आखिर मायने क्या हैं और आखिर कब तक होगी नफरत की राजनीति? तो मुसलमानों को लेकर आखिर माहौल कौन बना रहा है? क्या इस माहौल में इस तरह के बयानों की जरूरत थी? क्या वास्तव में देश में मुस्लिम महफूज नहीं है? इन तमाम बातों पर बहस करें, आज का अखाड़ा करें। उससे पहले आपको बयान सुनाते हैं। वो जालिम जो अपने आप को बड़ा आलिम कहता है, जिसका नाम जाहिद, अरे तू जाहिद नहीं, तू जालिम है। तूने इन लोगों के दिमागों को बर्बाद कर दिया, तूने मासूम लोगों का कत्ल किया और तुझे सजा मिलेगी जब हिसाब किताब का दिन होगा। देश में कुछ जगह आतंकवादों का गतिविधियां बढ़ रहे। देश में अगर बेंगलुरु में इंसिडेंट होता है, उसका मूल हैदराबाद में निकलता है। देश भोपाल में इंसिडेंट होता है, उसका मूल हैदराबाद में निकलता है। तो जब न्यू इंडिया की बात हो रही है, न्यू पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो ऐसे में क्या अल्पसंख्यकों पर इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? क्या देश में वास्तव में मुसलमान महफूज नहीं है? एनआरसी के मुद्दे पर जब चर्चा हो रही है, जब मुसलमानों के अधिकारों की बात हो रही हो, जब सच्चर कमेटी के तमाम प्रावधान इस पॉलिटिक्स ने लागू न कर पाए हों, तब क्या इस तरह का माहौल बनना चाहिए? क्या इस तरह के बयान बार बार बंटवारे वाली राजनीति नहीं करें? इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का खड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनोज पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल रिजवी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। रोहित चौधरी हैं, महामंत्री हिंदू वाहिनी है। और साथ ही हमारे साथ दिल्ली से अशोक सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, संघ विचारक। शुरुआत करेंगे शबनम जी आपसे ही करेंगे। नई सरकार, दूसरी बार सरकार, लेकिन पुराने हमले, पुरानी तरह से वार। क्या वास्तव में देश में मुस्लिम महफूज नहीं? देखिए, निश्चित तौर पे देश में मुस्लिम क्या सभी धर्म के लोग महफूज हैं, और इसको वो भी बेहतर तरीके से जानते हैं जो इस तरीके का तंज कसते हैं। बर्क साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो मुसलमानों पर जो है आरोप लगाते हैं, माहौल खराब करते हैं। देखिए, ये चाहे ओबीसी जी बोलें या शफीकुर रहमान कहें, कोई भी कहें, ये हिस्सेदार देश के हैं, इनको ये किराएदार खुद बता रहे हैं। कोई बीजेपी के नेता इस बात को नहीं कह रहे किराएदार, वो खुद अपने आप को किराएदार बता रहे हैं ये, क्योंकि मोदी जी ने जो इस बार जनमत पाई है, जो जनादेश पाया है, वो बगैर बंटवारे के आई ही क्यों? हिस्सेदार या किराएदार की बात क्यों आई? वो इसीलिए तो मैं बता रही हूँ। देखिए, इस बार जब जनादेश मिला है तो बगैर धर्म और जाति को बांटे हुए जनता ने एक साथ एक मत में जनादेश दिया मोदी जी को, और ये कहीं ना कहीं उन लोगों की राजनीतिक जमीन को खींच रही है, खत्म कर रही है, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते थे, जाति के नाम पे। तो वो अपनी राजनीति हो रही है, इसलिए इस तरह से बातें की जा रही है, इसलिए मुस्लिमों के हक का दिखावा किया जा रहा है, बंटवारे वाली राजनीति हो रही।
वो चाहते हैं कि देश में अगर धर्म पे बात करेंगे तभी हमारी राजनीति बची रहेगी, इसलिए ओवैसी जी डर के मारे इस बात को कह रहे हैं। शफीकुर रहमान जी भी कह रहे हैं कि खौफ ज्यादा है मुसलमान। तो जो काल्पनिक भय की बात पीएम मोदी भी अपने संबोधन में कह रहे थे, क्या ये काल्पनिक भय जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? निश्चित तौर पर काल्पनिक भय है। हम आप सब लोग सभी धर्मों के लोगों के साथ रहते हैं और सभी लोगों की जिंदगी उसी दर्रे में चल रही है जैसे चलती आई है। ठीक है नेहा जी, भी भेदभाव नहीं है। नेहा जी, काल्पनिक भय या फिर शफीकुर रहमान का इस तरह से कहना, ओवैसी का इस तरह से कहना, हिस्सेदार किराएदार की बात, और ये कहना कि देश में मुस्लिम महफूज नहीं है? नहीं, देश में मुस्लिम हमेशा से महफूज रहा और महफूज रहेगा। किसी के कहने से या शफीकुर रहमान बर्ग जी सांसद हैं, वो अपनी सियासी पार्टी की अपनी कोई मुहिम उनकी होगी जिस बिना पे वो कह रहे हैं, मुस्लिम तो महफूज है देश में, मुस्लिम महफूज रहेगा, मुसलमानों को किसी प्रकार डर नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी घटना हो गई चुनाव जीत, अगर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है तो ऐसा क्यों लगने लगा शफीकुर रहमान को और ऐसा ओवैसी को क्यों लगने लगा कि हिस्सेदारी की बात आने लगी, किराएदारी की बात आने लगी, महफूज होने की बात आने लगी? ओवैसी जी को क्या लग रहा है ये उनका अपना मत है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो इस चुनाव का नतीजा आया है उससे ये साबित होता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान भयभीत नहीं है, बल्कि हिंदुओं को 20 करोड़ मुसलमानों का डर दिखा के कौन डर दिखा रहा साहब, ये डर कौन दिखा रहा बार बार इस किसी एक पार्टी ने मुसलमानों का 20 करोड़ मुसलमानों का डर दिखा के कि उनकी हुकूमत हो जाएगी और ये हो जाएगी, जो मुसलमानों की राजनीति के रहनुमा है वही बार बार अगर इस तरह से कह रहे हो तो ये डर दिखा दिखा के उसका जो नतीजा आया ये साबित करता है कि हिंदू वहाँ का भयभीत है। और दूसरी चीज ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो अल्पसंख्यकों को, आपको क्या लगता है कि मुसलमानों में भी अल्पसंख्यकों में भी उस तरह के नेतृत्व की कमी है जो उनकी सही भावनाओं को राजनीतिक पटल पर रखे? क्या वैसे इस तरह की बातें करके, क्या शफीकुर रहमान इस तरह की बात करके मुसलमानों की भावनाओं का नेतृत्व करेंगे? ओवैसी जी अपनी पार्टी के नेता है, मुसलमानों के लीडर नहीं है। मुसलमानों के लिए हित की बात अगर उनके कोई अच्छी बात होती है वो करें, वो एक अलग चीज है। ये सभी मुसलमानों को चाहिए कि वो मुसलमानों के हित की बात करें, और जो खाली मुसलमानों के नहीं, हिंदुस्तान में जितने भी सभ्य लोग रह रहे हैं वो सब एक दूसरे की हित की बात करें। हिंदुस्तान सबका है और सब यहाँ पर महफूज है, सबको महफूज रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। रोहित चौधरी जी, आपको क्या लगता है जितना से वैसे ही कह रहे हैं, जिस तरह से शफीकुर रहमान कह रहे हैं, है क्या ऐसा? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि इतनी प्रचंड बहुमत जो भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन पे हासिल की हुई है, इससे सभी जो जातिवाद राजनीति करते हैं, जो भी धर्म की राजनीति करते हैं, सब भयभीत हैं। तो उन्हें कुछ ना कुछ मुद्दा चुनाव भुनाने के लिए चाहिए। निश्चित तौर पे आपकी बात से मैं सहमत हूं। जैसे कि आपने देखा कि सपा बसपा जो बहुत ही बड़े गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में आई थी, लेकिन इनका गठबंधन चला नहीं। यहां तक कि जो मुलायम सिंह जी की बहू जी थी वो भी अपना चुनाव हार चुकी हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग भयभीत हैं। तो जात के और मजहबी राजनीति के जिनको जिंदा रख के अपनी राजनीतिक जमीन यहां पर बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको पता है, उनको पता है कि इस बार तो वो अपने कौम को बहकला के तो वोट हासिल कर चुके हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो एक उनको बांधने की उनकी एक कोशिश है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भुनता रहे ताकि आगे चुनावों में उनकी। मनोज जी, आपको क्या लगता है किस तरह की कोशिश है और इस तरह की कोशिशें राजनीति में किस तरह का संदेश देती? देखिए, अगर आप चुनाव की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से देखें, क्योंकि चीजें राजनीति अभी जरूरत थी इस तरह के बयानों की? बयानों की जरूरत थी नहीं थी ये तो बड़ा प्रश्न हो जाएगा, लेकिन चीजों को अगर आप राजनीतिक तौर तरीके से देखें तो जो 2019 का चुनाव हुआ, 2014 में चुनाव एक हुआ, 2019 में चुनाव हुआ, और 2019 के चुनाव के बाद से एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से उभर के सामने आई, खाली मुसलमानों के ही, अल्पसंख्यकों के मामले की ही बात नहीं है, हिंदुओं में जो हमारी पिछड़ी जातियां थी और दलित जातियां थी वो भी एक प्लेटफार्म पर आई, और एक जो जातिगत हिंदुओं का ये हिंदू का जो भय दिखाया जा रहा है, मुसलमान को हिंदू का भय, हिंदू को मुसलमान का भय, तो शिफ्टिंग हो रही है, जो वोटिंग वोटर्स की शिफ्टिंग हो रही है, ये इनके अंदर भय पैदा कर रही है? ये भय नहीं पैदा कर रहा। अब इन जो जो नेतागण है कुछ ही बचे हैं, अब इनको इस बात का भय है कि कहीं कहीं ऐसा न हो कि जो भाई जिस तरीके से मोदी की सरकार है कोई ऐसी पॉलिसी न लेकर के आ जाए जो मुसलमानों के हित की वजह से तीन तलाक का मामला लेकर के आए। अब इन नेताओं के मन में एक भय भी सता रहा है, जो उलेमा है, जो बड़े बड़े नेता है, कि कहीं ऐसा ना हो आधी आबादी तो उन्होंने तोड़ दिया, अब फिर संसद में आ गए हैं, फिर कोई ऐसा कानून न बना दे जिससे कि इनकी आधी आबादी का वोट
100% परफेक्ट हो जाए और मोदी जी की तरफ चला जाए तो हम सियासत कैसे कर पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो गठजोड़ की राजनीति करने वाले हैं, अब देखिए इस पूरे चुनाव में पहली बार चुनाव में सेकुलरिज्म नहीं, तो हर बार एक बात आती थी कि धर्म निरपेक्षता खतरे में है। इस बार किसी भी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा, चाहे वो कोई भी हो, कि धर्म निरपेक्षता खतरे में है। यही यही सब कारण है, इसीलिए जो है नई जमीन तलाश की जा रही है और इस तरह से जहरीले बोल हो रहे हैं। अशोक सिन्हा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, जिस तरह से जब नई सरकार आई, अपने एजेंडे यहां पर तय किए गए, बात हुई धारा 370 की, बात हुई एनआरसी की, तो क्या लगता है यही सब कारण है, यही सब सोच है जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर भय पैदा कर रही, वो काल्पनिक भय जिसकी बात पीएम मोदी कर रहे थे? मुसलमानों के अंदर कोई भय नहीं है, मुसलमानों के जो, तो फिर सफीकुर रहमान साहब क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान महफूज नहीं है, डरे हुए हैं, वो ऐसे ही कह रहे हैं कि हम हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं है। डर सकते हैं क्योंकि वो बार ने ओवैसी रजाकार, इनके पिताजी हैदराबाद के बादशाह जो थे उनको पाकिस्तान भेजना चाहते थे, उनके वकील थे ये, और वो रजाकारों की 2000 फौज खड़ी की थी उन्होंने कि हम हैदराबाद को ही पाकिस्तान बना देंगे। तो ओवैसी को डर लग सकता है, उनके पिताजी भी डरे हुए थे उस समय। और बर्क साहब चूंकि न तो वंदे मातरम गीत के लिए खड़े होते हैं, न जनगण मन के लिए खड़े होते हैं, तो इनको भी डर हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मानना है कि इस देश में जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति वह जो इस देश को मादरी वतन मानता है और जो इस देश के महापुरुषों को अपना महापुरुष मानता है और जो इस देश की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, गंगा जमुना को अपना संस्कृति मानता है, वह सभी भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं। इसलिए किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंथ मजहब के आधार पर कोई भी भेद नहीं, न तो संविधान करता है न संघ करता है। ठीक है शबनम जी, जिस तरह से पीएम मोदी भी कह रहे थे कि कई छेद हैं यहाँ पर, उनके साथ छल किया गया है, अल्पसंख्यकों के साथ कांग्रेस ने लंबे समय तक धोखे में रखा है, लेकिन जब सरकार आई है तो आखिर मुसलमान इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो मुसलमान इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि मुसलमान जो कौम की तुष्टिकरण हमारी विपक्षी पार्टियां करती थी, तो आज मुसलमान की कितने विकास किया उन्होंने, किस स्तर पर उनको ला के रख खड़ा किया, वो वैसे के वैसे ही रह गए और पिछड़ गए उल्टा। और मोदी जी जब बार बार कहते हैं कि नहीं हम सबको बराबरी के दर्जे पे लाएंगे, अपने देखिए तीन तलाक के मुद्दा तो महिला का अधिकार का मुद्दा है, वो कोई धर्म का मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी योजना थी उसमें ये नहीं देखा गया कौन दलित है कौन मुसलमान है। ठीक है, योजनाएं आपने पहुंचाई वहां तक, लेकिन अगर उनको ये कहना पड़े कि महफूज नहीं है, बीजेपी के नेता उन पर आरोप लगाते हैं, लोग नहीं है जो कह रहे हैं, जो सफीकुर रहमान जी महफूज नहीं है क्योंकि राजनीतिक जमीन खिसक रही है, जब सबका साथ सबका विश्वास। पर आपने संदेश भी नहीं दिया ना मैम, जब वक्त था तब संदेश नहीं दिया, जब साक्षी महाराज खुल के बोलते हैं, जब साध्वी प्रज्ञा बोलती है, तब आपने वहां पर स्टैंड भी नहीं लिया ना। देखिए संदेश तो ऐसे तो पर एक्शन भी तो लेना चाहिए जिससे एक संदेश जाए, जिससे इस तरह के दूसरे जो नेता वो ना बोल सके। संदेश तो हमारे जन कल्याणकारी योजनाओं से उनके घर तक, उनके चौखट तक पहुंच गया है, हमें बयानबाजी से संदेश नहीं देना है, काम सुविधाएं तो पहुंच रही है, सुविधाएं तो पहुंच रही, लेकिन सोच क्यों नहीं बदल रही ना, सवाल ये है। सोच ये कुछ चंद लोग नहीं बदलने देना चाह रहे हैं जो बार बार मुसलमानों को या किसी एक जाति विशेष के लोगों को बार बार कहते हैं ये संकट में है। नेहाल रिजी जी, क्या ऐसा ही है, वास्तविक स्थिति ऐसी ही है? सच्चर कमेटी का गठन हुआ था, मुसलमानों के उत्थान की तमाम बातें की गई थी, सारी की सारी अधूरी। सच्चर कमेटी गठन हुआ था, मुसलमानों की सारी असलियत सामने निकल के आई थी, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया। और वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों को लिए कोई काम नहीं हुआ, उनको इस बात की चिंता है, लेकिन जो मॉब लिंचिंग हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, एक एक आदमी को पकड़ के 50-50 आदमी, 20-20 आदमी मार रहे हैं अकेले दुकेले, जहाँ पे मुसलमान या दाढ़ी रखे या टोपी लगाए है, इस टाइप की जो घटना है उसके विरोध में कोई बयान नहीं आ रहा प्रधानमंत्री जी का, बताइए शबनम जी क्यों नहीं आ रहा? देखिए प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा था, जब गौ रक्षक दल के नाम पे किसी ने मारपीट की थी तब भी उन्होंने कहा था कि कोई भी अराजकता फैलाने वालों के साथ हमारी पार्टी या हमारी सरकार नहीं है, उन्होंने इस बात को खुलकर कहा था। पर घटनाएं रुकी नहीं ना, बार बार घटनाएं अगर आप बोले तो क्या किसी भी सरकार पे आप देखिए मुसलमानों के साथ जो, देखिए आज हमारी सरकार
सरकार के पांच साल के कार्यकाल में दंगे नहीं के बराबर हुए। पांच साल के बाद भी अगर छठवें साल जब दोबारा सरकार आ रही है और इस तरह के बयान सामने है ना, तो मैम सवाल खड़े होते हैं फिर। देखिए वेस्ट बंगाल जाइए, वेस्ट बंगाल में फांसी पे लटका दे रहे, कितनी राजनीतिक हत्याएं हो गई, जय श्री राम बोलने वालों को लाठी चार्ज हो गया, मीम डालने वालों को गिरफ्तारी हो गई, तो क्या हम कहते हैं कि पूरे देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है? जो घटनाएं हो रही है उस पर एक्शन होगा, उस आरोपी पकड़े जाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि सुरक्षित नहीं। आजादी के बाद झूठी सोच है न्याल जी, अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान महफूज नहीं है या सरकार मुसलमानों के बारे में नहीं सोच रही, अल्पसंख्यक को किसी भी तरह से भयभीत होने की जरूरत नहीं है? नहीं, अल्पसंख्यक को भयभीत होने की जरूरत नहीं, लेकिन सरकार कोई स्टेप नहीं ले रही है कि कोई सख्त इसके पीछे कार्रवाई की जाए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जो नहीं कार्रवाई की जाए? हमको शिकायत उन लोगों से भी है जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, वो तो एक अलग गिरोह है, जो इस टाइप के फसादी लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो 500 लोग जो खड़े देख रहे हैं उसको और बोल नहीं रहे हैं, उनके अंदर डर मतलब भय उनके अंदर भी है, वो खुद हिंदू हैं, अगर चाहें तो इन चीजों को रोक सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो भय है चौधरी जी रिस्पांस को पूरा रोक नहीं पा रहे हैं। जो लोग मॉब लिंचिंग की बात करते हैं वो जरा चंदन के साथ क्या हुआ था वो भूल गए, ये घटनाएं भी उनको याद रखनी चाहिए। जो बताते हैं कि दाढ़ी रखने वालों को मारा जा रहा है, तो उन लोगों को ये चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो तिरंगा फहरा के अगर एक तिरंगा निकाल रहा है, तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, तो क्या उसको गोली से मार देना चाहिए? उस पर आप क्यों नहीं चुप होते हैं कभी? उस पर भी खुले मन से मैं तो कह रहा हूं ना साहब, मैं तो कह रहा हूं अगर समाज में जहर फैलाने वाली कोई भी घटना हो तो उस पर नकेल कसना चाहिए, वो फिर हिंदू देख के नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नकेल कसना चाहिए, भारत का नागरिक होता है हिंदू मुसलमान बाद में होता है, बिल्कुल नकेल कसना चाहिए। आप देख लीजिए इस तरह के विवाद बयान का कौन दे रहा है, एक हैदराबाद से दे रहे हैं तो एक आज संभल से दे रहे हैं, तो हर तरफ है ना, फेरिस्त तो हर तरफ है, आप भी रोकिए ना साक्षी महाराज को, रोकिए बिल्कुल रोका जाएगा, बिल्कुल रोका जाएगा। आज एक सदन, आज एक सदन के सदस्य होकर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, इसके लिए उनके ऊपर भी कुछ बात करिए आप। समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो संभल के सांसद हो, उनकी भाषा शैली में उनपे आप क्या बात करना चाहते हैं हमसे? अली बजरंगबली किसने शुरू किया? इनके बारे में बात करना भी पाप लगता है। अली बजरंगबली किसने किया? एनआरसी में जो हुआ अली बजरंगबली आजम खान ने किया, और इन पर भी इनको बोलना चाहिए। आजम खान ने किस अभद्र भाषा का प्रयोग किया जयाप्रदा जी के लिए, जो एक प्रत्याशी थी, सांसद पद की प्रत्याशी थी, वैसे के बयान को किस तरह से आप देखते हैं? उनके ऊपर आजम खान इस तरह के बयान कर रहे हैं तो वहां की आम जनता का क्या होगा? अगर वैसे हिस्सेदारी की बात करते हो तो उसका मतलब क्या है? क्या समाज में जो इस तरह से हिस्सेदारी तय होगी? मैं तो कह रहा हूँ समानता की बात है, सबकी जो बराबर हिस्सेदारी, हिस्सेदारी का मामला है। ये सिर्फ अपनी राजनीति चलाने के लिए इनको ये भय है कि जिस तरह से सबका साथ सबका विकास मोदी जी नारा लेकर सबको साथ लेकर चले, जैसे मोदी जी ने अपने शपथ समारोह में कहा, जो जो जिन जिन राजनीतिक दलों ने वो बयान सुना, जिन जिन राजनीतिक दलों ने उनका ये भाषण सुना, सब भय में, जैसे मोदी जी ने कहा कि जो हमारे साथ है उनका भी धन्यवाद और जो भविष्य में हमारे साथ होंगे उनका भी धन्यवाद। अशोक सिन्हा जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नया नारा है, लेकिन इस नए नारे से पहले नया विवाद, ओवैसी का बयान और उसके बाद सफीकुर रहमान कहते हैं कि महफूज नहीं है मुसलमान। जी आपका सवाल किससे है? आपसे सर, अशोक जी। क्या जी, मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंसा में विश्वास नहीं रखता और इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं किसी देश में किराएदारी की बात हो सकती है, वहां के नागरिकों की तरफ से हिस्सेदारी की बात हो सकती है, महफूज होने के सवाल हो सकते हैं। नहीं, किरायेदारी जो चाहते, जो किरायेदार यहाँ थे वो चले गए पाकिस्तान, उन्होंने 1947 से अपना घर बना लिया और वो वहां चले गए। जो मुसलमान भाई यहाँ रह गए हिंदुस्तान में, जो इस देश को मातृ वतन मानते हैं और जो इस देश में रहना चाहते हैं, वो भारतीय हैं और उनकी पूरी सुरक्षा यहाँ का, यहाँ के राज्य का दायित्व है और समाज का दायित्व है। कोई ऐसी घटना नहीं होने दी जाएगी। दायित्व के दावे में हवा कहां से जो भर जाती है? इस तरह के सवाल कहां से आ जाते हैं साहब कि उनको कहना पड़ता है कि मुसलमान महफूज नहीं है? नहीं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं और अपने खोती हुई लोकप्रियता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक तरीके से आउट अपडेटेड हो गए हैं, मगर वो भय दिखा करके मुसलमानों में अपने नेतागिरी चमकाना चाहते हैं। मगर आपको क्या लगता है, अभी मुसलमान इतना इस्तेमाल किया जा रहा है उसका, बार बार नहीं है बयान? देखिए अब पॉलिटिकल टूल है कि नहीं है, अब तो चुनाव हो चुका तो टूल की बात करना, फिलहाल अभी कोई बहुत जल्दी चुनाव नहीं हो रहा है तो टूल की बात करना तो अब इस समय बेमानी है। हाँ, इस तरीके के बयान आ रहे हैं,
ये एक बड़ा प्रश्न है और इस तरीके के बयान नहीं आने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नहीं, ग्राउंड ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखें तो क्या आपको लगता है मुसलमानों की स्थिति बेहतर हुई है क्या, जिस तरह का उनको मिलना चाहिए सुविधाएं मिलनी चाहिए? अभी मुसलमान मुस्लिम समाज को बहुत कुछ मिलना बाकी है, बहुत कुछ मिलना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है और मुसलमान को जो मतलब हमारे मदरसे हैं, इन मदरसों को भी शिक्षा के क्षेत्र में इनको काम करने की जरूरत है, मदरसों को भी कंप्यूटर से जोड़ने की काम जरूरत है और ओवरऑल इनमें भी रिफॉर्मेशन की, जिससे कि देश में, देश के विकास में इनका योगदान हो सके। एक दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर भी इतना मजबूत किए जाने की आवश्यकता जरूर है कि देश का हर नागरिक, खाली मुसलमान नहीं, देश का हर नागरिक, चाहे कोई गोरक्षक के नाम कुछ कर रहा हो, मॉब लिंचिंग इन्हें किसी भी तरीके की कोई घटना न होने पाए, लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार की जिम्मेदारी होती है और लॉ एंड ऑर्डर निश्चित, बिल्कुल जिम्मेदारियों पर ही सवाल है और सवाल इन बातों पर भी है कि जिन बातों की जरूरत नहीं है आखिर वो समाज में क्यों बढ़ा, उनको बढ़ावा मिल रहा, क्यों पनप रही है इस तरह की भावना, इन तमाम मुद्दों पर बहस जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि आखिर जब नई राजनीति की बात हो रही है, जब तरक्की की बात हो रही है, जब न्यू इंडिया की बात हो रही है, जब स्किल इंडिया की बात हो रही है और जब हम यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने की बात कर रहे हैं तो आखिर अंतर पैदा करने वाले बोल क्यों, आखिर समाज को कौमों में, मजहबी बंदिशों में बांधकर किसका भला होने वाला है? शबनम जी, देखिए भला किसी का नहीं होता इस तरह के बयान में, भला उसी का होता है जो बयान देता है, वो सोचता है मेरा भला होगा, पर वो भला नहीं। अब जनता, जवाब क्या है इसका? अब जनता समझ गई है, जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। क्या विकास के पैमानों के जरिए इस तरह की सोच को तोड़ा जा सकता है? कोशिशें कई बार की गई हैं। निश्चित तौर पे देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, जब विकास होगा, लोग समृद्ध होंगे तो निश्चित तौर पे इस तरह की बातें करने वाले नकार दिए जाएंगे समाज से। और यही डर सता रहा है उन लोगों को जो तोड़ की राजनीति करके, लोगों में बंटवारे की राजनीति करके अपने को स्थापित करते थे। आज उन्हें भय हो गया है कि अगर घर घर तक विकास पहुंचेगा तो हमारी ये राजनीति जो है धाराशाही हो जाएगी। अगर अखलाक की मृत्यु होती है, उसको मारा जाता है, तो उस समय सफीकुर रहमान जी ने भय क्यों नहीं जताया था? क्योंकि उस वक्त वो सरकार के साथ बैठे थे। रिजवी साहब, अगर वो ऐसी साहब इस तरह की बातें करेंगे, नेतृत्व करते हैं, बड़े वर्ग का नेतृत्व करते हैं मुस्लिम समाज में, अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो कैसे माहौल बदलेगा? क्या आपको लगता है ऐसे बयानों की जरूरत है या फिर एक समाज, एक वर्ग आपकी कौम में भी होना चाहिए जो खड़ा हो इस तरह के बयानों के खिलाफ? नहीं, हमारे यहाँ अच्छे लोग भी हैं जो खड़े हैं इस इन सब कामों के लिए, लेकिन वो वैसी जी क्या बात कर रहे हैं, ये उनके सामने कोई ऐसी घटना हो जो उन्होंने कहा हो, शफीकुर रहमान वर्ग जो कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के क्या राजनीति, जैसे अभी शबनम जी ने कहा कि अखलाक का कांड हुआ था समाजवादी सरकार में हुआ था, तब उन्होंने बयान नहीं दिया था, तब भी उनको बयान देना चाहिए था उस पर, उस समय शफीकुर रहमान जी ने अखलाक वाले पे अगर विरोध किया होता, बदलेगी कैसे? तो जी, इस तरह की सोच बदलेगी कैसे? इस तरह की सोच जब भी बदलेगी जब हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी इससे सांप्रदायिकता से हट के एक देश को चलाने वाली बात करें और सभी जैसा वो बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास का, तो सबको साथ लेके चले। आपको लगता है, आपको लगता है कि मुस्लिम समाज को इस तरह की बातें कह के डराया जा सकता है? मुस्लिम समाज डरा हुआ है, अभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है कि इस तरह के बयान देंगे और मुस्लिम समाज डर जाएगा और जो उनकी राजनीति का उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, मुस्लिम समाज तो नहीं डरा है, मुस्लिम समाज डरा वरा नहीं है। मुस्लिम समाज अगर डरता तो वो जब बंटवारा हुआ था उसी समय मुस्लिम समाज अपना देश अलग करके और बढ़ा के पाकिस्तान चला जाता। मुस्लिम समाज जो यहाँ पे रहा है उसने हिंदुस्तान को आजाद कराया है, अपना लहू से सींचा है हिंदुस्तान को, और वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान बर्बाद हो मेरे सामने या ऐसे हालात पैदा हो कि हिंदुस्तान में की बर्बादी की तरफ जाए। मुस्लिम समाज नहीं चाहता, मुस्लिम समाज कहता है कि हिंदुस्तान में जैसे पहले सब लोग मिलजुल के रहते थे उस तरीके से हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान हो जो पहले का था, जो हिंदुस्तान आज बनाया जा रहा हो ऐसा हिंदुस्तान ना हो। नहीं तो कौन है जो हिंदुस्तान में लोगों को मिलजुल कर नहीं रहने दे रहा है? कौन है जो वंदे मातरम की जय नहीं कर रहा है? कौन है जो भारत माता की जय नहीं बोल रहा है? कौन है जो राष्ट्रगान पर खड़ा नहीं हो रहा है? बात करा तो आप जीत के भी आ रहे हो, उनको नेतृत्व भी मिला तो इस तरह की भावनाएं तो आगे जाएंगी ना, उन पर नकेल कसना जाना चाहिए। अभी हिंदुस्तान का दुर्भाग्य तो यही है कि वो प्रताप सारंगी और वो क्या नाम है प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग सांसद में पहुंच गए और मंत्रिमंडल में पहुंच गए, और जिन्होंने ये बयान दिया है वो भी संसद के अंदर ही बैठे हुए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी भी संसद के अंदर ही बैठे हैं और लगातार आप लोग उनको जिता रहे हैं और बैठा रहे हैं, तो ये कार्यकाल भी आप उनका देखें
कि उनको किस बिना पर वोट दिए जा रहे हैं, जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, जो कहते हैं कि जय श्री राम, आज पश्चिम बंगाल में देख लीजिए क्या हो रहा है, जय श्री राम बोलने पे जेल भेजा जा रहा है, उस पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो मैं यही तो सवाल कर रहा हूं, सामाजिक समरसता, क्या जय श्री राम, क्या जय श्री राम बोलना राजनीतिक राजनीतिक कृत्य है? क्या जय श्री राम बोलना किसी एक पार्टी का अधिकृत नारा है? जय श्री राम, प्रभु राम का नारा लगाने से मैं वही पूछ रहा हूं ना साहब, क्या सामाजिक समरसता के सवाल है? आप क्यों नहीं बोलते हो? सियासत क्यों हो रही है? क्यों पूरा मुसलमान इकट्ठा होकर पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं आंदोलन करता है? क्यों नहीं ममता बनर्जी का घर आवाज घिराव करता है कि जय श्री राम बोलने में क्या आपत्ति है? क्यों मुस्लिम समुदाय एक साथ एक तरफा एक साथ खड़ा नहीं होता है पश्चिम बंगाल में? क्या ये मौन भी जय श्री राम का नारा लगा है? चुप्पी क्यों धर्म होना, क्या ये चुप्पी होना इस तरह के नेताओं को बढ़ावा देता है? रोहित चौधरी जी, जी क्या इस तरह का मौन, क्या इस तरह की चुप्पी मुस्लिम समाज की इस तरह के नेताओं में जो है बढ़ावा? देखिए इस ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है ये इसी तरह के नेता कर रहे हैं, ये अपने फायदे के लिए अपने कौम के लोगों को पिटवाते हैं और फिर उसी ऐसे थोड़े कर सकता साहब, कौन ऐसा लगता क्या रिजवी साहब को, ये अपने कौम के लोगों को ऐसे पिटवाएगा क्या? मॉब लिंचिंग की घटनाओं में जो है जिम्मेदारी और होनी चाहिए, विकास नहीं चाहते हैं। ये जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा लगाने में किसी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जय श्री राम लगा के किसी आदमी को मारा जा रहा है, जय श्री राम लगा के हत्या की जा रही है, झगड़ा हो रहा है, लगा रहे हैं क्या दुरुपयोग? जय श्री राम का नारा लगा के एक घटना बता दीजिए, ऐसी कोई घटना है तो हमारे सामने लाइए। किसी की बपौती थोड़े जय श्री राम का नारा, कोई उसकी दुरुपयोग कर ले, जोड़ दिया इन्होंने जय श्री राम कहीं झगड़ा हो, कोई ऐसी घटना अगर कहीं घटित हुई हो तो हमारे सामने भी उसको लाया जाए, आप बताएं। एक भी घटना ऐसी नहीं है, एक भी घटना पश्चिम बंगाल में ऐसी नहीं है कि जय श्री राम का नारा लगा के कोई किसी को मार रहा है। देखिए किसी न किसी तरीके से ममता बनर्जी भी अपनी राजनीति, नहीं आज सवाल ममता बनर्जी का नहीं, आज मुसलमानों के महफूज होने का, अगर सभी को रहमान कर रहे हैं कि मुसलमान महफूज नहीं तो ऐसा हमें क्यों लगता है? सभी के महफूज होने की बात कर रही हूँ कि अगर कोई तानाशाह कर रहा है तो ये गलत है, अगर उधर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो उस पर अगर किसी को गिरफ्तार कर लीजिए या लाठी चार्ज करिए, ये गलत बात है। और देश के किसी भी कोने में कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया में कब तक उलझे रहेंगे कि क्रिया होगी प्रतिक्रिया होगी, उम्मीद बनाएंगे, हम एनआरसी पे काम करेंगे, हम मुसलमानों के लिए सचर कमेटी का गठन करेंगे, ऐसे दिन कैसे बदलेंगे? मैम कोई भी खौफजदा नहीं है, ये केवल ये अपनी राजनीतिक जमीन बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें समझ तो उनको स्कोप दिखता है ना मैम, उनको स्कोप दिखता है, उनको लगता है कि मुसलमानों को डराया जा सकता है, आप विश्वास क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? उनको गलत फहमी है, उनको स्कोप दिखना गलत फहमी है। आज जनता जितनी जागरूक हो गई है, ये इस चुनाव ने दो बार ऐसे चुनाव हो गए देश में 2014 और 2019, जनता पूरी तरीके से समझ गई है कि ये जो जाति और धर्म के ठेकेदार हैं ये किसी काम के नहीं है। ये अशोक सिन्हा जी कराते हैं, अशोक सिन्हा जी ठीक है, सरनम जी आपकी बात हो गई, अशोक जी कुछ नहीं करते। अशोक जी जिस तरह से संघ का रुख रहा है, तमाम सवाल उठते रहे, मुस्लिम संगठन भी संघ पर सवाल खड़े करता रहा, लेकिन वो विश्वास पैदा क्यों नहीं हो पाया? अगर हम देश की सरहद के भीतर इस तरह के सवाल करें, महफूज होने के प्रश्न सामने आए तो लगता है हमारी आवाज, उनकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही, बताइए रिजवी साहब। देखिए सबसे पहली बात तो आरएसएस का हिंदुस्तान के इतिहास में 70-80 साल के इतिहास में कोई योगदान नहीं है किसी प्रकार का, आजादी से लेके आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई योगदान नहीं है। अब वो 10 साल से सक्रिय हुए हैं हिंदुस्तान को तफरका फैलाने के लिए और उसको आप एक वर्ग को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी का है कोई योगदान? क्या बहुजन समाज पार्टी का कोई? मैं कह रहा हूं साहब क्यों बात कर रहे हैं, बनाने में किसका योगदान है ये सवाल है ही नहीं। आरएसएस का कोई योगदान है? आप ये कैसे कह सकते हैं आरएसएस योगदान नहीं है? क्या किया विचारधारा के लोगों ने देश को आजाद कराया? ये सवाल नहीं है, हम क्या कर रहे हैं देश के लिए? देश को आजाद कराया ही नहीं आरएसएस, समाजवादी पार्टी ने कराया है, अखिलेश यादव ने कराया है, समाजवादी पार्टी ने कराया है, देश को आजाद किसने कराया ये सवाल आज है। आप आरएसएस को कैसे कह सकते हैं? सवाल तो ये है कि हम पुरानी सोच से कैसे आजादी दिलाएं? तमाम मुस्लिम वर्ग का पुरानी सोच दकियान उसी सोच से हम कैसे आजाद करा पाएंगे? आजादी में योगदान दिया और कितने साल जेल में बिताए, आप कैसे कह सकते हैं कि उनका योगदान नहीं था? किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं। निहाल विजय जी, गलत बात, निहाल विजय जी ठीक है, सब
निहाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज वक्त ये जानने की ज्यादा है कि किसने देश को आजादी दिलाई, या ये जानने की ज्यादा है कि जो पुरानी सोच है उससे कैसे आजादी मिलेगी? भाई, जिसने देश को आजाद कराया उसको देश का दर्द होगा। देश की आजादी में हम लोग ने अपना लहू दिया, अपना खून दिया, आजाद कराया, हमको देश का दर्द। इसीलिए आप जो हिस्सेदारी मांग रहे हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि किराएदारी नहीं है, इसीलिए बाबा मैं खुश होने का सवाल उठा रहा हूं। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये बता दीजिए, आपके नेता ऐसी बात क्यों करते हैं? मैं हिंदुस्तान के क्यों बोलने वाली बात होती है? आपने कभी ये कहा योगदान है? अगर कह रही अल्पसंख्यक क्या ओएसी का कोई योगदान है? कंधा मिला के चलेंगे क्या? ओएसी का कोई योगदान है देश को आजाद कराने में? क्या फर्क का कोई योगदान है देश को आजाद कराने में? योगदान नहीं है। हिंदुस्तान के अक्सरियत मुसलमानों का योगदान हिंदुस्तान तो को आजाद का भी बराबर है, हिंदुओं का भी बराबर योगदान है। अब जाके आप कैसे किसी मनोज पांडे अपने अपने खेमे तय करती है, लेकिन क्या प्रोग्रेसिव सोच, क्या प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स इस बात पर जोर नहीं देती किस तरह की सोच पर अंकुश लगे? देखिए, अब एक बात इस मंच से कहते हुए अच्छा भी लग रहा है और कहा भी जाना चाहिए कि देश को आज़ाद हुए सन 47 से अब 2019 आ गया, 72 साल हो गया। 72 सालों बाद अब देश के आज़ादी का फिर से राग छेड़ना ये उचित नहीं है। असली चीज़ है कि देश में जो भी पिछड़ा है, क्योंकि अब देखिए रिजर्वेशन के नाम पर पिछड़े, अति पिछड़े, दलित की बात हुई, लेकिन अब 72 सालों में अब देखिए गरीब दरअसल होता क्या है, इससे गलत संदेश जाता है ना, हमारी विश्व में छवि खराब होती है। अगर यहाँ का मुसलमान ये कहे कि हम महफूज नहीं हैं, हमारी हिस्सेदारी है, तो इससे छवि खराब होती है ना सरकार की। गरीब सवर्णों को आरक्षण मिला। अब देश में आवश्यकता इस बात की है कि ओवरऑल सारी जो पॉलिसीज हैं, क्योंकि हिंदू भी यहीं का है, मुसलमान भी यहाँ का है, अब यहाँ जिनको जाना था वो जा चुके, जिनको जाना था वो जा चुके, जिनको जाना था वो जा चुके। अब सारी पॉलिसीज पर एक बार फिर से रिव्यू होना चाहिए। जैसे तीन तलाक एक महिलाओं से जुड़े अधिकार की बात थी, तो उस पर एक बात अगर कोई सरकार करती है तो एक रिफॉर्मेशन की बात करती है, तो एक रिफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। रिफॉर्मेशन एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप भी हो, कंप्यूटर भी हो, इस पर भी बात करनी पड़ेगी। दूसरा विश्वास कैसे जगाएंगे आप? छवि कैसे बदलेगी सरकार की? कब मुसलमान कहेगा कि नहीं हम महफूज हैं? देखिए, मुसलमान कह रहे हैं हम महफूज हैं, और मुसलमानों ने हमें वोट भी दिया है और हमारे साथ भी हैं, पर वो चंद नेता जो कि मुसलमानों के ठेकेदार बनने को के लिए आतुर रहते हैं, और उनकी राजनीति, उनका अस्तित्व इसी तरीके के ठेकेदारी से है, वो बार बार इस तरीके के बयान देते हैं, पर आज मुसलमान जानते हैं कि ये बयानबाजी ही करते हैं, उनके हित में कुछ नहीं करते। तमाम ऐसे सर्वे करा लेते हैं लेकिन वो उनके पॉकेट के जेब में रहता है, लेकिन हकीकत में जमीन में कुछ नहीं। पर मोदी जी ने बार बार कहा कि हम मुसलमानों का विकास चाहते हैं और चाहते हैं एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप। जब पीएम मोदी बार बार कह रहे हो कि हम अल्पसंख्यकों को लेकर गंभीर हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके साथ जो छल हुआ उसमें छेद करना पड़ेगा, तो आपको भरोसा क्यों नहीं आ रहा आपके नेताओं को? क्यों बार बार हिस्सेदारी, किराएदारी और महफूज के सवाल? क्यों एनआरसी प्रश्न का, क्यों धारा 370 पर प्रश्न चिन्ह? निहालू जी साहब जी, ये आखिर क्यों हो रहा कि जब बार बार पीएम मोदी कह रहे हो कि अल्पसंख्यकों के साथ छल हो रहा है, छल में छेद करने की जरूरत है, तो क्या यहां पर संशय होता है? क्यों स्थितियां होती है, किस तरह के सवाल बार बार आते हैं? पीएम मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी जी ने अभी किसी प्रकार आपको लगता है ईमानदार कोशिशों की कमी का कोई एक्शन ऐसा लिया नहीं है कि जो मुसलमानों के हित में हो अभी तक, ठीक है? अब की उन्होंने बयान अच्छा दिया है, अभी से वो कहां तक काम करते हैं ये उनके ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नजर में सब बराबर हैं, उनको सही से काम करना चाहिए। लेकिन उन्हीं की प्रदेश का एक मुख्यमंत्री जो है वो एक सांप्रदायिकता की बात चुनाव में तीन बार की, ये अली और बजरंग बली, अली और बजरंग बली, इस टाइप की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक एक प्रदेश के राजा हो। चलिए रोहित चौधरी जी बताइए, बराबर है, ऐसे क्यों हो रहा? एक तरफ तो आप एकता की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता के धागे में पिरोने की बात करते हैं, और उसके बाद इस तरह से सांप्रदायिक पॉलिटिक्स, ऐसा क्यों? जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आप एक घटना बता सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में 3 साल के अंदर एक भी दंगा हुआ? क्या मुख्यमंत्री के राज में एक भी दंगा हुआ, या एक भी मुसलमान को गैर कानूनी तरीके से परेशान किया गया हो? आपकी पीड़ा क्या है? आप चाहते, किसने रोका है विकास करने का? अशरफुद्दीन ओवैसी को किसने रोका है विकास करने के लिए? मुलायम सिंह जी हो, चाहे अखिलेश यादव जो हैं, जो मुस्लिम राजनीति करते हैं, उनको किसने रोका है विकास करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी तो आज विकास के लिए आई है। इतने सालों से मुस्लिमों के ठेकेदार तो आप ही बने हुए थे, उसके बाद भी मुस्लिम अगर इतना पिछड़ा है तो यह प्रश्न चिन्ह स्वयं आप पर उठता है, ना कि हम पर। अशोक सिन्हा जी,
आपको क्या लगता है, जिस तरह से पिछले 5 सालों में सरकार ने तमाम कवायदे की, तमाम कोशिशें की दिन बदलने के, सोच बदलने के, लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो कोशिशें तो फिर वहीं धरी की धरी रह गई। अब ये मुस्लिम समाज को सोचना है कि वो राष्ट्र की सरकार को भी सोचना है, सब विकास सरकार को भी सोचना है और अपने अपनी शिक्षा को नहीं, अगर सोचना है तो कश्मीर में भी सोचना चाहिए। आप वहां जो जरा सोचिए, हम तो अब्दुल कलाम के अनुयायी हैं, अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया इसी देश ने, और किसी भी व्यक्ति को न हिंदू को डर लगा न मुसलमान को डर लगा। आज ये जो धर्म के ठेकेदार बने हैं ये क्यों डर की बात पैदा कर रहे हैं? यहाँ का समाज कोई ना हिंदू है ना मुसलमान को डर नहीं रहा है, डर ये रहे हैं, ये नेता लोग डर रहे हैं। इनको खतरा हो गया है अपने नेतागिरी का, अपने व्यवसाय का, क्योंकि और कोई काम धंधा करते नहीं है। तो इनको अगर ये डर समा गया है तो इनको अपने एक बार सोचना पड़ेगा कि जिस समाज को ये डरा रहे हैं वो समाज डरा हुआ नहीं है, वह समाज इस देश का मूल नागरिक है, इस देश को मादरे वतन मानता है। तो ये विश्वास आप कहीं जगह पा रहे हैं? ऐसे नेताओं के खिलाफ मुस्लिम समाज खुल के सड़कों पर क्यों नहीं आ रहा? इसके महापुरुषों का अपना क्यों नेतृत्व मिल रहा है इस तरह की भावनाओं को? देखिए उसको डरा कर रखा गया है, उसको ये मुल्ला तो कौन निकालेगा साहब, उनको ये डर की बेड़ियों से कौन बाहर निकालेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? निकल चुके हैं, अगर नहीं निकले होते तो हमें वोट नहीं दिए होते, वो निकल चुके हैं, उनके दरवाजे पे विकास पहुंच गया है और उस विकास को देखकर उनको इत्मीनान हो गया है कि नहीं ये जो हमें ठेकेदार बन के लूटते हैं। आपको क्या लगता है मुसलमान कंफ्यूज है, वो आपको भी वोट कर रहा है, उन नेताओं को भी वोट कर रहा है जो देश को बांटने वाली बात कर रहे हैं, जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हो, जो कहते हो कि मुसलमान महफूज नहीं है? देखिए वो चंद लोग जो उनको वोट कर रहे हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पर आम मुसलमान उनके साथ नहीं है। आम मुसलमान ठीक है, तो आम मुसलमान क्या चाहता है? निहाल रिजू जी बताइए फिर। आम मुसलमान अपना काम चाहता है, एनआरसी के मुद्दे पे क्या चाहता है, धारा 370 पर मुसलमान क्या चाहता है? धारा 370 में मुसलमान क्या है? धारा 370 में मुसलमान जो प्रधानमंत्री जानते हैं क्या चाहता है, उनको उनको जो है मुसलमानों की उसका सम्मान रखना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, और मुसलमानों की तरक्की के लिए या उसके लिए जो उनका स्टेप हो उसको वो पब्लिक के सामने लाएं कि हम ये करने जा रहे हैं मुसलमानों के लिए या मुसलमानों के हित में हमने ये कदम उठाया है। खाली बयान बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्या चाहते हैं? मुसलमानों के लिए एक अलग से मंत्रालय खोल दिया जाए और उसमें सिर्फ मुसलमानों का कार्य किया जाए। अगर कोई योजना निकाली जाए तो पहले मुसलमानों के लिए भर्ती कराया जाए। अगर पुलिस की नौकरी निकले तो पहले मुसलमान आवेदन करें। अगर सचिवालय की नौकरी निकले तो पहले मुसलमान आवेदन करें। आप चाहते क्या? मैं कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान हो ही क्यों, सबका मुसलमान तो हिंदू मुसलमान की गलतफहमी है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि जो है प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं सबका हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की 2% रह गई है नौकरी में तो उनको आरक्षण वो देना चाहिए। विकास का कार्य क्या एम्स खुलता है तो क्या मुसलमान या सिर्फ हिंदू के लिए खुल रहा है? वो सबके लिए खुल रहा है। यदि अगर देश में कोई विकास कार्य हो रहा है, देश के अंदर एयरपोर्ट खुल रहे हैं, नितिन गडकरी जी सड़कें बना रहे हैं, देश के अंदर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, तो क्या वो हिंदू सिर्फ उसमें हिंदू चलेंगे, उसमें मुसलमान नहीं चलेगा? कॉलेज बन रहा है तो क्या उसमें सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे, मुसलमान नहीं पढ़ेगा? सबके लिए ये बात वो कह रहे हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर लगाते थे। कम से कम वो इस बात को मत कहें। देश में जो विकास हो रहा है देश की आम जनता उसको जान रही है, पहचान रही है, मोदी जी के साथ है। तो साथ जब विकास किया था, तो जब साथ विकास किया था तो फिर विजन भी दिखाते ना, फिर अरे बजरंग बली क्यों करने लगे, फिर ये क्यों कहने लगे कि आपको जो अली मुबारक हमें हमारे बजरंग राजनीति में प्रतिक्रियाओं का दौर होना चाहिए निश्चित होगी, क्योंकि अगर आप एक तबके को कहेंगे कि एक मुश्त होके वोट दो तो क्या दूसरा तबका ऐसे ही रहेगा, उसका भी समर्थन करने के लिए किसी को खड़ा तो आप उसका समर्थन करेंगी? आप प्रतिक्रियावादी जो है राजनीति का समर्थन करेंगे? क्रिया का प्रतिक्रिया होता ही है और ये राजनीति में जरूरी और चुनाव तो फिर तो फिर बंटवारे वाली राजनीति को तो फिर तो मिल जाएगा सारा ना। हमने बंटवारे से देखते रहेंगे और उनको हमेशा ऐसे मिलता रहेगा, वो हमेशा कहेंगे हम डरे हुए हैं क्योंकि आप प्रतिक्रिया देंगे। आप माननीय मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अली और बजरंग बली की राजनीति की, जो लोग अली और बजरंग बली की राजनीति कर रहे हैं उन राजनीतिक पार्टियों के मुखिया मायावती जी ने सही किया? आप ये कहना चाहते हैं कि मायावती जी? देखिए अब तक यही होता रहा कि एक
धर्म विशेष की तुष्टिकरण करते रहे और तब धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा इसी को कहा गया कि एक धर्म विशेष की, और जब धर्म विशेष की तुष्टिकरण को नकारे जाने लगा और सबको साथ लेने की बात हुई, सबका साथ सबका विकास, तो और आज भी हर धर्म को ये तो कह रहा है कि यार सारी चीजें जुबानी है, जमीन पे कुछ नहीं है कि सबका साथ सबका विकास। देखिए जिनके दरवाजे विकास पहुंचा है, जिनके दरवाजे अगर विकास पहुंचा है तो उसके लिए हमें अलीगढ़ में आतंकवादी का जनाजा कैसे निकल गया? अगर आपने ये विश्वास जताया होता, अगर आपने इस तरह का भरोसा पैदा किया होता, विकास पर अगर राजनीति ने सोच में इतना बदलाव लाया होता, तो फिर आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों इतना जो है एक्टिव हुआ? देखिए सारे गैंग अब इनएक्टिव हो जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। पांच साल में बिना सरकार के संरक्षण के कोई भी गैंग एक्टिव नहीं हो सकता। अगर उसको सरकार की जनता ने वोट किया है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो उसका मतलब संरक्षण ही माना जाएगा कि जो इस टाइप की मॉब लिंचिंग हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं सख्त की जाएगी, ऐसा है कि इसको संरक्षण ही माना जाएगा? सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग को तो संरक्षण सरकार ने दिया, आप ऐसे नहीं ले पाए उनके खिलाफ, उन्होंने जनाजे निकाल दिया आतंकियों के, नारेबाजी कर दी वहां देश विरोधी। व्यक्तिगत सोच होगी, सरकार का शिकंजा बहुत कड़ा हो चुका है, जनता ने सरकार पे विश्वास किया है, निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे वो प्रदेश में हो या देश में हो, बुराइयां मिट रही हैं, बुराइयां मिट रही हैं। लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आरएसएस करता है, अशोक सिन्हा जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन संस्कृतियां सबकी साझा है, इनमें हिंदू भी है मुसलमान भी है, लेकिन फिर विश्वास के रंग क्यों नहीं है? अशोक सिन्हा जी, इस देश की एक मूल आत्मा, संस्कृति का एक मूल प्रवाह, यह पूरे दुनिया में सबको पता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया कौन सी संस्कृति कहती है। आप ये देखिए कि अगर आप साझा कह रहे हैं तो वह तो आप ये बताइए बात तो आपने की थी ना, तो फिर और क्या किसी ने बोला? नहीं पा रहे वो क्यों कह रहे बार बार कि महफूज नहीं है? आप साझा संस्कृति की बात कर रहे हैं, यहाँ की मूल संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिना की है, वह एक मूल विचारधारा है जो पूरे दुनिया में विख्यात है, तो आप साझा क्या होता है? साझा क्या होता है भाई? तो वसुधैव कुटुंबकम की बात भी तो हम ही करते हैं ना, अगर आप कह रहे हैं कि महफूज नहीं है, चंद लोगों के कहने से महफूज जो डर रहे हैं उन्हें डरने दीजिए, जो डर रहे हैं वो डरने लायक काम कर रहे हैं इसलिए उनको डरना चाहिए। ठीक है, तो सवाल ये है कि आखिर कौन डर रहा और कौन डरा रहा, और क्या डेमोक्रेसी में इस तरह के सवाल होने चाहिए, और इस तरह के सवाल अगर हो रहे हैं तो आखिर इसके सियासी मायने क्या हैं? फिलहाल आज की बहस में इतना ही, तमाम मेहमानों तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।